नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी 19 अगस्त को फर्स्ट ट्रिप में पूछे गए मैथ के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी तक हमें मिले हैं, और भी जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ हाजिर होंगे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मैथ में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चंस की थी आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट RS 960 प्रॉफिट इज 20%, व्हाट वुड बी प्रॉफिट ऑफ सेल फॉर RS 1120। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आर्टिकल है उसे अगर हम 960 में बेचते तो हमें प्रॉफिट मिलती है 20% की। हमसे पूछ रहा है कि अगर हम उसी आर्टिकल को 1120 में बेचते तब हमें कितने की प्रॉफिट होती। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा सबसे बेटर तरीका क्या होता है, आप चाहे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इस टॉपिक को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, तो हमने मान लिया कि हमने उस वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में, खरीदा जिसे हम क्रैमून बोलते हैं, हमने उस वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में। तो अगर 100 यूनिट में खरीदा और उस पर हम 20% प्रॉफिट कमा लिए, यानी कि हम उसे बेचे कितने में होंगे, तो 120 में। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 20% प्रॉफिट कमाए तो हम उसे 960 में बेच रहे हैं, यानी कि 120 यूनिट बराबर है हमारे किसके, तो 960 रुपीज़ के। तब हमसे पूछ रहा है क्या कि अगर हम उसी वस्तु को 1120 में बेचें तब उसे कितने में बेचेंगे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमने उस वस्तु को खरीदे कितने में, तब तो हमें पता चलेगा कि अगर हम उसे 1120 में बेचेंगे तब हमें कितनी प्रॉफिट मिलेगी। तो हमने देखा 120 यूनिट बराबर RS 960, तो हमने उस वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में, तो अगर 120 960 के बराबर है तो 100 यूनिट किसकी बराबर होगी, तो 100 यूनिट इक्वल टू RS 960 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 120। ये आपका 8 से कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया RS 800। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हम उसे 1120 में बेचें तब हमें कितने की प्रॉफिट होगी। तो अगर हमने किसी वस्तु को 800 में ख़रीदा और उसे हम बेचना चाहते हैं, हम सेकेंड सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे बेचना चाहते हैं 1120 में तब हमें कितने की प्रॉफिट हुई। तो आप यहाँ पे देखो तो आपको प्रॉफिट कितने की हुई, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है जितने में बेचा माइनस जितने में ख़रीदा। तो हमने खरीदा बेचा 1120 में और ख़रीदा 800 में, तो हमें प्रॉफिट कितने की हुई, तो ये हमारी हो गई 0, 2, 8, 3, 11 320 रुपये की। तो ये तो हो गई अगर आपसे रुपीज़ में ऑप्शन रहे तब। अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज जब भी हम लेते हैं तो जितने में खरीदते हैं उससे, तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100। अब जीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो हमारा आ गया कि हमने इस वस्तु को ख़रीदा कितने में, तो 40% प्रॉफिट इसमें हमने कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ट्रिगोनोमेट्री से, कह रहा है इफ़ सेक ए इक्वल टू 13/12 देन फाइंड साइन ए। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए इक्वल टू 13, सेक ए इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, तो 13/12। हमसे पूछ रहा है साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है क्या, तो सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और साइन ए इक्वल टू होता है क्या, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम अगर देखें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस तो ये हमारा है ही है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें करने क्या होते हैं, तो आपको पता है कि आपको अगर ट्रिपलेट याद होंगे तो आपको पता होगा 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 5 / हाइपोटेनस यानी कि 13। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इसे अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। हमने यहाँ पर बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से, इसका नेम रखा ABC, ये हमारा राइट एंगल हो गया। अगर हमसे दे रखा है कि सेक ए इक्वल टू क्या है, तो 13/12, ये हमारा ए एंगल हो गया, सेक ए इक्वल टू 13/12 है, यानी कि हमारा पर हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनस तो ये हमारा हो गया। बट बेस की अगर बात की जाए तो अगर आप यहाँ से एंगल को ले तो आपका बेस ये वाली लाइन होती है, तो हमारा बेस हो गया 12। और साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम √13² - 12² तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 169 - 144, इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब हमें हाइपोटेनस मिल गई 5, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर मिल गई 5, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 points are (2, 7) and (k, 3) इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 13 देन फाइंड के। हमसे बोल रहा है कि दो पॉइंट है, इसे हमने माना ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इस पॉइंट का हमारा
कोऑर्डिनेट दे रखा है 27 एंड बी पॉइंट का दे रखा है K3। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच डिस्टेंस, यानी ए बी इक्वल टू हमें दे रखा है 13। तो हमसे पूछ रहा है के इक्वल टू वाट। तो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या। अगर आपको इस तरह से डिस्टेंसेज निकालने होते हैं तो इसका हमारा हो क्या जाता है, अंडर रूट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 माइनस के का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमने आपको क्या बोला, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस आपका 13 दे रखा है। तो 13 इक्वल टू हो गया हमारा, अंडर रूट इधर गया तो होल स्क्वायर इधर आ गया, तो होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस ये 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16। अब यहाँ पे हम देखें तो 169 और ये इधर गया 20, तो ये हो गया 149 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 के, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 149 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे 4K है, सॉरी ये आपका K है, अब अगर आप इसे टोटली सॉल्व करो, आपका K का वैल्यू मालूम क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई बी होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसे निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो हमारा होता कितना है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 4A या 2A समथिंग इसी टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूला से K का वैल्यू निकाल सकते हो, तो K इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 रूट 17 समथिंग आपका आएगा, आप सॉल्व करके निकालोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था किस चीज़ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपको दे रखा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 29। देन आपसे पूछ रहा है पॉइंट एट y इक्वल टू माइनस 2, तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट एट y इक्वल टू माइनस 2 बोल रहा है, तो हम यहाँ से माइनस 2 पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा आ गया 5x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 29। तो यहाँ से हो गया 5x इक्वल टू 29 प्लस 3 दूना 6 और ये माइनस में तो इधर प्लस में, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, तो 29 माइनस 6 करेंगे, सॉरी ये हमारा 29 प्लस 6 करेंगे तो 35, तो x इक्वल टू 7, तो हमारा पॉइंट आ गया 7 माइनस 2। और भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, आपको दे रखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, इसका एक्स वाई जेड नेमिंग कर रखा था, जेड एंगल दे रखा था 60 डिग्री, और हाइपोटेनस हमें इस तरीके से दे रखा था, हाइपोटेनस इक्वल टू 9/√2। हमसे पूछ रहा था फाइंड करना था हमें फाइंड वाई जेड इक्वल टू व्हाट, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी हमें सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है। ये आपका व्हाट आपसे पूछ रहा है वाई जेड इक्वल टू व्हाट, तो इसे हमें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस हमें मालूम है, हाइपोटेनस आपका क्या दे रखा है, तो 9/√2, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब हमसे पूछ रहा है वाई जेड, तो आप जानते होंगे ये हमारा इसका बेस होगा, तो हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले में हमारा बेस पुट करता है। तो हम आपको याद होगा कॉस 60 इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे आपका एंगल है 60, तो कॉस 60 इक्वल टू बेस बाई हाइट। अब बेस हमें नहीं मालूम है, बेस है बाई जेड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी 9/√2। अब कॉस 60 का वैल्यू आपको मालूम होगा क्या होता है, तो 1/2 इक्वल टू वाई जेड वाई 9/√2। अब यहाँ से हम बाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई जेड इक्वल टू 9/√2 इंटू 1/2, इस तरह से ये हमारा आ गया 9/√2। तो आज के लिए बस इतना ही, जैसे ही हमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे हम उसको लेके जल्दी आपके पास हाजिर होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।